महानगर के चाबी पुल के राम जानकी मंदिर की मूर्तियों को खंडित किए जाने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम, स्थानीय लोग में रोष। लोगों का मानना है कि अपराधी केवल चोरी के इरादे से मंदिर में नहीं घुसे थे, चोरी ही अगर इरादा होता तो वे हनुमान सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित नहीं करते। लोगों का कहना है कि यह विधर्मियों का काम है जो आतंक फैलाने के मकसद से मंदिर में घुस आए थे। उधर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मंदिर के आसपास पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया है। व्यक्ति का काम है, ऐसा काम होना नहीं चाहिए, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही पापी व्यक्ति का किया हुआ काम है, जो काम ये किया है गलत काम, उसका भगवान कभी भी भला नहीं करेगा, उसका वंश सहित नाश हो जाएगा। यह घटना जो हुआ है, यह हिंदू सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। हमारे आराध्य, हिंदू संस्कृति के आराध्य हनुमान जी महाराज की इस प्रकार से मूर्ति को खंडित करना जघन्य अपराध है। आज हनुमान जी की इस प्रकार के मूर्ति को देख करके मन बड़ा दुखित हो रहा है, और इस तरह की घटना यह धर्म पर कुठाराघात है। असामाजिक तत्वों के द्वारा यह किया गया कार्य है, जो यह नहीं होना चाहिए। क्या क्या लिया गया यहाँ से, चोरी क्या हुआ? और यहाँ से देखिए, वो शिव जी के पास चांदी का नाग देवता, वो भी ले गए चोर। बाल्टी, लोटा, घंटी, दान पात्र, ये सभी उठा करके ले गए। हनुमान जी के मुकुट, चांदी के मुकुट, जो क्राउन जिसको कहते हैं, हनुमान जी के जो मुकुट था, वो चांदी का मुकुट था, वो भी चोर यहाँ से उठा करके ले गए। इस प्रकार का यह असामाजिक कार्य, इसकी जितना निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। पुलिस प्रशासन क्या बोला है? आया तो पुलिस प्रशासन कल संध्या काल में प्रशासन और मंत्रीगण भी यहाँ आए थे, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी आए थे, और प्रशासनिक अब इसका जांच पड़ताल शुरू हो गया है। और बालाजी से यह प्रार्थना है कि जो भी ऐसा कार्य किया है, वह जल्द से जल्द पकड़ में आवे और उसको इसकी सजा मिले। क्या हिंदू धर्म का ये एक आघात मानते हैं हम लोग, हिंदू धर्म के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, कौन क्या है? मेरी दृष्टिकोण में तो चोरी नहीं है, बल्कि धर्म पर आघात, कुठाराघात है। क्योंकि चोरी होने पर जो कोई सामान चोर ले जाता है, लेकिन किसी मूर्ति को खंड खंड टुकड़ों में बांट देना, तोड़ देना और अपवाद में उसके सामानों को चुरा कर ले जाना, एक घृणित मानसिकता है, क्रूरता है, जिसका मैं घोर घोर निंदा करता हूँ। और जो हिंदू सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, इसलिए हमारे प्रशासन के द्वारा जो जितनी भी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी, और हम लोगों के द्वारा जो है FIR दर्ज कराया गया सरकार से लेकर और पार्टी से और संस्था से, जितने भी दल कर्ज करता है, प्राय प्राय सभी लोगों ने आकर एक एक करके अंदर बिछा लिया, प्रत्यक्षदर्शी होकर अपने नेत्रों से वहाँ अवलोकन करके, और घोर घोर भर्सना लोगों ने किया, और हम लोग भी घोर घोर भर्सना निंदा करते हैं कि भविष्य में इस तरह से हिंदू धर्म पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। कि किसी धार्मिक स्थान के मूर्ति को छत बिछत करके दुर्भावना से प्रेरित होकर ऐसा कुकृत्य के लिए कठोर से कठोरतम सजा की मांग हम लोग करते हैं। कैमरामैन लालटू चौधरी के साथ विद्युत दे, थर्ड आई न्यूज़, गुवाहाटी।